हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ के लिए मेरा पहला वीडियो है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम पिछले क्लास में आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाए हुए थे जूम मीटिंग पर, तो उसी को थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। तो सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लिख लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट When an object is, when an object is completely or partially, immersed in a liquid. When an object is completely or partially immersed in a liquid, there is an apparent loss. There is an apparent loss in its weight. The loss in weight. The loss in weight of the object is equal to the weight of the liquid displaced by the object। तो सबसे पहला काम करिए, आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे लिख लीजिए, एक बार सुन भी लीजिए। यदि आपको कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रहा होगा या कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो when an object is completely or partially immersed in a liquid, there is an apparent loss in its weight. The loss in weight of the object is equal to weight of the liquid displaced by the object। अब चलो बच्चों, इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट इन weight of the liquid displaced by the object। और इसी को हम upthrust भी बोलते हैं। this is known as upthrust। ये पूरी चीज को आप लिख लिए होंगे। चलिए देखिए, अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक स्केल है। आप देख सकते हैं ये स्केल है, इसको आप देख लीजिए। और एक ये ऑब्जेक्ट है और एक मेजरिंग सिलेंडर है। तीन चीज़ हम लिए हुए हैं, मेजरिंग सिलेंडर, स्केल और ये ऑब्जेक्ट। हमको करना क्या है, हम इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करेंगे। पहले इस ऑब्जेक्ट का हम एयर में वेट देख लेंगे कितना है। एयर में वेट देखने के बाद इसको हम लिक्विड में इसका वेट मेजर करेंगे और देखेंगे कि कितना वेट में लॉस हुआ, जैसा कि हमने लिखवाया था लॉस इन वेट। और ये लॉस इन वेट कितना होना चाहिए बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, इस मेजरिंग सिलेंडर में हम लिक्विड भी रखे हुए हैं। तो इस पूरी चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लीजिए और अच्छे ढंग से। हमारे पास एक स्केल है, ये जो स्केल है इसको हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। इसको स्प्रिंग स्केल कह रहे हैं और इसमें जो स्केल बना हुआ है, ये सबसे पहले यहाँ पर जीरो है, जीरो के बाद 25 है, 25 के बाद 50 है, 50 के बाद 100 है। ओके,
20, 0, 25, 50, 50 के बाद 75 है एंड सो ऑन, 75 के बाद 100 है, ये ग्राम है, सब ग्राम दिया हुआ है। फिर इसमें देखो बच्चों, 0 और 25 के बीच में 5 डिवीजन बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 5 डिवीजन है। तो इट मीन्स 0 से 25 के बीच में 25 ग्राम है, 25 ग्राम को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, 5 ग्राम में, 5 डिवीजन में बांटे हुए हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं 5 डिवीजन में। तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, आपको यहाँ पर लिखना होगा, 1 डिवीजन इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवीजन की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 डिवीजन इज इक्वल टू, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5 ग्राम। इसी को हम लिस्ट काउंट भी बोलते हैं, सबसे मेज LC बोलेंगे या लिस्ट काउंट इसको बोलते हैं, लिस्ट काउंट इसको बोलते हैं, यानी कम से कम इतना मेजर कर सकता है। यहाँ भी देखिए आप 1, 2, 3, 4, ये 5 डिवीजन हो गया, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन हो गया। अब सुनो, देखो बच्चों, जैसा कि हम ये बता रहे हैं, आप देखिए ये हमारा बॉब है जिसको कि ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं, इसको हम एयर स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से हम इसको सस्पेंड कर दिए हैं। तो जब हम सस्पेंड कर रहे हैं तो आप देखिए इसका पोजीशन कहाँ हो रहा है, आप देखिए इसको थोड़ा देखिए, इसका पोजीशन को, इसके पोजीशन को आप देखिए कहाँ पर है, ये देखो ये 50 के नीचे 2 डिवीजन तक गया है। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, एक डिवीजन की वैल्यू 5 ग्राम हुए, तो 2 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 60 ग्राम। इसका मतलब ये जो हमारा स्केल है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना मेजर कर रहा है बच्चों, इस स्केल का मास, इस स्केल का मास मेजर कर रहा है 60 ग्राम। जब इसको हम मेजर किए थे तो ये यहाँ पर आ गया था, ये 60 ग्राम, ये 50 है, ये 55 हो गया, 60 होगा, ये 65 होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये 50 है, ये 55 है, ये 60 है, ये 65 है, ये 70 है और ये 75 है। तो यहाँ पर ये स्केल जो उसका था, पॉइंटर था, यहाँ पर आया था। इट मीन्स एयर में इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, इन एयर, एयर में इसको हम सस्पेंड किए हुए थे, दैट इज 60 ग्राम, दैट इज 60 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम, ये मास हुआ। तो जब हमको वेट निकालना होगा तो जी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वेट आया, चूंकि ग्रेविटेशन आप पढ़ चुके हैं, तो जब हम वेट की बात करेंगे तो यहीं पर हम लिखेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, ये एयर है, इन एयर कितना है, 60 ग्राम वेट, ऐसा हम बोलते हैं। और इसको और सॉल्व करने के लिए 60 ग्राम को आप केजी में चेंज कर दीजिए, केजी में चेंज करने के बाद इसको केजी में चेंज कर दीजिए, केजी में चेंज करिए 60 अपॉन 1000, उसके बाद जी से मल्टीप्लाई करिए, जी की वैल्यू 9.8 होता है, या अप्रॉक्स में आप 10 ले लीजिए, तो इतना न्यूटन हो गया। यदि न्यूटन में हम उसको सॉल्व करना होगा तो ये कितना आएगा बच्चों, 0.6 न्यूटन। तो 0.6 न्यूटन इसका वेट हो गया, किस में, एयर में वेट हुआ। सिमिलरली आप देखिए, जब इसी को हम, इस स्केल को देखिए, ये मेजरिंग फ्लास्क है, इसमें वाटर रखा हुआ है, इस वाटर में हम इसको सस्पेंड कर दे रहे हैं, ये वाटर है, आप देखिए इस वाटर में हम क्या किए, इसको सस्पेंड कर दिए। एक्चुअली हमको दिखाना है स्केल का रीडिंग, तो हम नीचे यहाँ पर देखिए दोनों को हम हैंडल किए हुए हैं। अब देखो ये 50 और 55 के बीच में है, आप देखिए ध्यान से, ये स्केल को आप देखिए, ये 50 और 55 के बीच में आ रहा है, ये अब देखिए कितना आ रहा है इसका वेट, इसको टच नहीं करना होने देना है, इस टच, ये 50 और 55 के बीच में है, 50 और 55 के बीच में है। इसका मतलब जब वेट, जब हम लिक्विड में रख रहे हैं तब इसका वेट कितना हो जा रहा है, 50 और 55 के बीच में हो रहा है। इसको आप अच्छे ढंग से देख लीजिए, जब इसको हम
लिक्विड में रख दिए तो इसका वेट कितना हो गया, 50 और 55 के बीच में आ रहा है। इसको अच्छे से ढंग से देखिए, 50 और 55 के बीच में आ रहा है, 50 और 55 के बीच में आ रहा है। और तो इसका मतलब इसको हम 52 ग्राम हम लिख रहे हैं। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन, अब इसको हम मिटा दिए यहाँ पर, नाउ वेट, नाउ वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, ये वाटर था, इन वाटर, ये लिक्विड के प्लेस पर वाटर था ये, तो ये कितना हो गया, 52 ग्राम मास था, तो ग्राम को चेंज करेंगे न्यूटन में, तो 52 बाई, इसको ग्राम को आपको केजी में चेंज करना पड़ेगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना न्यूटन आ जाएगा। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया इसको, तो ये आ गया 0.52। अब तो लॉस इन वेट, व्हाट विल बी लॉस इन वेट, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना वेट में कितना लॉस हो गया। देखो बच्चों, पहले वेट था इसका 0.6 न्यूटन और अब कितना वेट हो गया, 0.52 न्यूटन। तो इट मीन्स कितना लॉस हो गया है, वेट में कितना लॉस हो गया, दैट इज 0.08 न्यूटन का ये लॉस हुआ। लॉस इन वेट इज इक्वल टू व्हाट, 0.08 न्यूटन का ये लॉस हो गया। ओके, आप इसको सब्सट्रैक्शन आपको आता होगा अच्छे ढंग से, देखिए 6 है, 60 लिख सकते हैं, यहाँ 0.52 लिख सकते हैं, ये 8 हो गया, तो 0.08 न्यूटन का लॉस हो गया। देन व्हाट इज लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज 0.08 न्यूटन। चलिए नाउ अब व्हाट विल बी, अब दूसरा एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं। अब देखो इसी को यदि टेबलर फॉर्म में लिखना होगा तो टेबलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप यहां पर लिख लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, टेबल बना लीजिए, और टेबल बना करके यहां पर लिखिए, ये सीरियल नंबर आप लिखेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर कितना था, ये 0.6 न्यूटन, ये पहला रीडिंग था न्यूटन, इन न्यूटन, ये न्यूटन में हम ये रीडिंग लेंगे। फिर दूसरा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर, वेट ऑफ द, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर, वाटर में कितना वेट आया था भाई, 0.52 न्यूटन, ये न्यूटन में था, ये यूनिट न्यूटन में है। दूसरा, नाउ लॉस इन वेट, लॉस इन, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको सब, तो 0.08 न्यूटन, ये लॉस इन वेट हो गया। और एक दो रीडिंग और आप ले लेते हैं, एक दो बार इसी को एक दो बार और मेजर आप कर सकते हैं दूसरे स्प्रिंग से, कोई आपको दूसरा स्प्रिंग दिया होगा, स्प्रिंग स्केल, उसके हेल्प से आप फिर आप वेट निकाल सकते हैं, लॉस इन वेट निकाल सकते हैं, और वहाँ पर एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे कि एवरेज, एवरेज वैल्यू बताएगा कि व्हाट इज लॉस इन वेट ऑफ द, व्हाट इज लॉस इन वेट। अब दूसरा, हम दूसरी चीज हमको पढ़ना है बच्चों, एक पार्ट तो हमारा हो गया कितना वेट में लॉस हो गया, दूसरा वेट, दूसरा पार्ट हमको डिस्कस करना है, पार्ट बी इसको हम बोल रहे हैं, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड आप लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ द, वेट ही लिख लीजिए, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड के जगह पर यहाँ पर वाटर है, लिक्विड, लिक्विड के जगह पर क्या है बच्चों, वाटर है, वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द, वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके लिए क्या है, आप ये आप मेजरिंग सिलेंडर आप देखिए बच्चों, मेजरिंग सिलेंडर आप देख सकते हैं,
ये हम बिल्कुल यहाँ पर रख दिए मेजरिंग सिलेंडर। आप देखिए इसमें स्केल बने हुए हैं, आप इसमें स्केल बना हुआ है देखिए, और ये जो वाटर इसमें भरा हुआ है, वाटर का लेवल क्या है ये देखिए, वाटर का लेवल यहाँ पर 60 है। आप देखिए 60 है वाटर का लेवल। अब थोड़ा और अच्छे ढंग से देखिए वाटर का लेवल क्या है, ये 60 है। इतना से बिल्कुल आप देखेंगे तो वाटर का लेवल क्या है, 60 है। पहले तो मेजरिंग स्केल के विषय में देख लीजिए, जो भी ये मेजरिंग स्केल देखे हुए हैं, ये मेजरिंग स्केल ये ml में बना हुआ है, ऊपर इसके यहाँ पर 100 ml है, उसके बाद ये 90 ml है, उसके बाद ये 80 ml है, उसके बाद ये 70 ml है, इस ढंग से बना हुआ है 90 ml। और इसके बीच में कितने डिवीजन है देखिए, 90 और 100 के बीच में कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिवीजन, टोटल डिवीजन 10 है। आप देखिए टोटल डिवीजन कितने हैं, 10 डिवीजन है। तो 100 माइनस 90 दैट इज 10 ml, और 10 ml कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 10 डिवीजन में। तो लिस्ट काउंट इसका कितना हो गया, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर आप देखेंगे इसका लिस्ट काउंट कितना भाई, एक पार्ट कितना ml दे रहा है, 1 ml, एक डिवीजन की वैल्यू क्या है, 1 ml है। अब देखिए शुरू में इसका इनिशियल रीडिंग कितना है, इसका इनिशियल रीडिंग 60 पर है। आप देख लीजिए मेजरिंग सिलेंडर से आप देखेंगे तो इसका इनिशियल रीडिंग क्या है, 60 ml पर है ये। इसमें और नीचे पार्ट हम नहीं बनाए हुए हैं, आप 70 एक और पार्ट नीचे कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है तो ओके 60 ml, यहाँ पर लिक्विड दिखाई दे रहा है, यहाँ लिक्विड का लेयर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिक्विड का लेयर दिख रहा है। तो इनिशियल रीडिंग क्या है, 60 ml है। इसको 10 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन में किए हुए हैं। 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 ml है, मिलीलीटर। अब देखिए जब इसमें हम इस लिक्विड को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तब ये देखिए इसका लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। देखिए इसको हमने इसमें रख दिया, यानी लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया। अब लिक्विड डिस्प्लेस्ड होकर के कहाँ चला गया है, आप देखिए लिक्विड डिस्प्लेस्ड होकर के ये कहाँ चला गया है, ये आप देखिए 70 से 2 डिवीजन नीचे है, यानी 68 पर है। ये कितना है, 2 डिवीजन नीचे की ओर है, दैट इज 68 पर है। तो अब इसके लिए हम यदि टेबल बनाएं, ये ऊपर चला गया, ये जो वाटर का लेयर आप देख रहे थे ना, वाटर का लेयर अब यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आने का मतलब जो 60 ml था अब क्या बढ़ के ये 68 ml हो गया। कितना ऊपर है ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ml ऊपर चला गया। तो अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, इसके लिए हम एक टेबल बना लें, लिस्ट काउंट, जैसे कि आपने तो लिख लिया था लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, 1 ml, हमने अभी बताया। अब देखो फिर एक टेबल बनाएंगे, ये टेबल क्या बता रहा है, ये टेबल बता रहा है कि जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुई है, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वेट कितना है। उसके वेट के लिए ये हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाए हुए हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम सीरियल नंबर सबसे पहले लिखेंगे। अब इनिशियल रीडिंग कितना था, इनिशियल रीडिंग अभी आप देख रहे थे ना, इनिशियल रीडिंग कितना है, ml में था, ये ml 60 पर था इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग कितना था भाई, ml में ही फाइनल रीडिंग है। आप अच्छे ढंग से इसको देखिएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, हम बोल रहे हैं ना, आप दिखाई नहीं दे रहा है तो आप फाइनल रीडिंग, ये फाइनल रीडिंग कितना हो गया, ये देखो ये ऊपर होकर के ये 68 ml चला गया था। इसका मतलब लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड हुई, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है यहाँ पर, वाटर है लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये ml था तो ये 8 ml
कितना सब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, दैट इज 8 ml डिस्प्लेस्ड हुआ। तो इस 8 ml का वेट कितना होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। पहले तो मास लिख लीजिए, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब देखो बच्चों, आपको ये वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको पता है ना डी इज इक्वल टू एम बाई वी, तो एम कितना होगा, एम इज इक्वल टू डी इंटू वी। अब देखो वाटर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 g/ml, ml को हम cc भी बोलते हैं। डी इंटू वी, वी कितना है, वी तो 8 ml है, तो ml से ml कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 8 g। तो मास कितना हो गया बच्चों, ये 8 g हो गया। अब 8 g मास है तो वेट कितना होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। नाउ फाइनली वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। देखिए थोड़ा राइटिंग को अच्छे ढंग से आप समझ में दिक्कत हो रहा होगा समझने में, तो हम बोल रहे हैं तो इसको आप समझ सकते हैं, ये इनिशियल रीडिंग है, सीरियल नंबर 1 हम कह रहे हैं। इनिशियल रीडिंग 60 ml था, फाइनल ml रीडिंग क्या हो गया, 68 ml हो गया। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया, यानी 8 ml ऊपर उठ गया है, 8 ml लिक्विड क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया है। मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, चूँकि हमारे पास फार्मूला था, ये फार्मूला को याद रखिए, वी हैव, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, वी हैव डी इज इक्वल टू एम अपान वी, तो दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू डी इन टू वी, वेयर डी इज डेंसिटी ऑफ द वाटर, वेयर वेयर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द, वेयर डी इज डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो नाउ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब देखो हमको ये मालूम हो गया, ये आपका ये ग्राम में है, 8 g, 8 g है। अब 8 g को हम kg में चेंज करेंगे, ये पूरा आप लिख लिए होंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। डी इज डेंसिटी ऑफ द वाटर, डी इज डेंसिटी ऑफ द वाटर, इसको हम हटा रहे हैं। अब सुनो देखो बच्चों, मास हमको आ गया, तो अब वेट कितना होगा, हेंस वेट, हेंस दूसरे जगह आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हम हमारा टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये पूरा चीज़ आप नोट कर लिए होंगे, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। हेंस वेट ऑफ द, हेंस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, यहाँ लिक्विड के जगह पर क्या है, वाटर है, क्योंकि वाटर की ही डेंसिटी होती है 1 g/cc या 1 g/ml। तो पहले तो ये 8 g था, उसको kg में चेंज करिएगा, इनटू जी से मल्टीप्लाई करिएगा, वेट के लिए क्या होता है, मास इनटू जी होता है, mg होता है, जी के मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कैंसिल आउट हो गया, तो 0.08 newton। तो आप देख रहे हैं कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी 0.08 newton है, दिस इज 0.08 newton। तो आप रिजल्ट लिखेंगे, ये पूरा हम हटा दिए, हेंस रिजल्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हेंस रिजल्ट, रिजल्ट क्या है बच्चों, रिजल्ट वेट ऑफ लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम मिटा दिए, लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, वाटर के जगह पर यहाँ पर लिक्विड था, वेट ऑफ द लिक्विड, यहाँ पर स्पेसिफिक केस हमने वाटर का ले लिया था, वैसा ही ना लेंगे जिसका, वही ना लिक्विड आप लेंगे जिसकी डेंसिटी मालूम है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू कितना आया था बच्चों, 0.08 newton। ये दोनों बराबर आए थे, टेबल ए जो बनाए थे उसमें भी लॉस इन वेट आया था 0.08, और जो टेबल टू बनाए थे जिसमें कि हम निकाले थे वेट ऑफ
डिस्प्लेस्ड लिक्विड वो भी 0.08 आया था। और ये जो यहाँ पर लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हो रहा था इस मेजरिंग सिलेंडर में हम जो देख रहे हैं ना, पहले 60 था, जैसे ही ये इसको हमने रखा, इसमें हम अंदर रखे, लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया, लिक्विड का लेवल ऊपर हो गया। लिक्विड का लेवल ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुई है, और डिस्प्लेस्ड कौन किया है? ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड किया हुआ है। कितना डिस्प्लेस्ड करेगा? जितना इसका जो वॉल्यूम होगा ना है, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस्ड करेगा। ओके, तो केवल इतना ही हम आपको बताएंगे आज के लेक्चर्स में। एक दो और वीडियो इसके लिए हम बना करके आपको डालेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू। कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट होगा इसको आप लिखिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना लिखिएगा। ओके, थैंक यू।